अरे रोको, बदतमीज आदमी, इतनी देर से पीछे से आवाज लगा रहे हो, बस रोको बस रोको बस रोको, पर सुनता ही नहीं है। ऊपर से गर्मी, ना देश की सरकारें सुन रही हमारी और ना ही ये कंडक्टर। अरे भाईजान, अरे गर्मी में इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, तो पानी पी लीजिए। शुक्रिया भाईजान, दोबारा आ जाएगी, बस क्या बात है। भाईजान आप मुझे गलत ना समझिएगा कि मैं कोई गुस्से वाला आदमी हूँ। एक तो इतनी दूर से दौड़ के आ रहा हूँ, बस वाला बस नहीं रोक रहा है, गर्मी अलग से है, तो थोड़ा गर्म हो गया था मैं। वैसे मैं बहुत हसमुस विश्वास का आदमी हूँ, मस्त आदमी हूँ। हाँ ले लीजिए, शुक्रिया भाईजान। हेलो, सलाम अलैकुम भाईजान। हाँ मैं ना थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, नहीं वो मेरा बस छूट गया है और अगला बस पता नहीं कब आएगा। हाँ आप परेशान ना होए, मैं शाम को आपको मिलता हूँ जी। ध्यान रखें, खुदा हाफिज़। वैसे पंडित जी, मतलब आप धोती कुर्ता पहने हैं, तिलक लगाए हैं, ये राम नाम भी जप रहे हैं, तो मुझे लगा और पंडित होंगे, चेहरे से भी लग रहा है कि किसी बड़े मंदिर के पंडित, पढ़े लिखे एकदम। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब पंडित तो ऐसा नहीं हूँ, बट हाँ सनातनी हूँ। धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, भगवान का नाम का जप करना तो अच्छा लगता है। और आज तो काफ़ी स्पेशल दिन है हमारे मंदिर में, भगवान का अभिषेक हो रहा है, महाआरती हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा धोती कुर्ता पहन के चल रहे हैं। वाह समझ आओ, तो आप भी थोड़ा चले, अभिषेक है तो आरती होगी, थोड़ा प्रसाद वसाद लीजिए हमारे साथ। मैं बात जरूर चलता, वो हुआ क्या है कि अभी मुझे जाना है कहीं। वैसे आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। जैसे मेरा नाम साहिल खान है, मैं एक इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहता हूँ और उसकी स्टडीज भी कर रहा हूँ, तो मैं अपने मजहब के ऊपर तो पढ़ता ही हूँ, साथ ही साथ मैं दूसरे धर्मों के रिलीजन्स के ऊपर भी स्टडीज करता हूँ। और मैंने देखा है कि आपका मजहब जो हिंदू धर्म है और हमारा इस्लाम, काफ़ी चीज़ें सेम है हमारे बीच में। जैसे हमारा धर्म भी मजहबों के बारे में बुद्ध परस्ती, मूर्ति पूजा के बारे में मना करता है, वैसे आपके यजुर्वेद में भी ये चीज़ें देखी जाती है कि नतस्य प्रतिमा अस्ति, चैप्टर नंबर 34 वर्स 3। तो आपके धर्म में भी मैं देखता हूँ कि मूर्ति पूजन को मना किया जाता है, हमारे में भी किया जाता है, पर हम लोग तो फॉलो करते हैं इस बात को। पर मैं देख रहा हूँ कि आप तो खुद जा रहे हैं मंदिर मूर्ति पूजा करने, अभिषेक करने, ऐसा क्यों? ये जो आपका मौलाना वाला कोर्स है भाई, इसमें कहीं जाकिर नायक की वीडियो तो नहीं दिखाते आप लोग? मतलब जाकिर नायक इज अ ग्रेट स्कॉलर, काफ़ी धर्मों के बारे में अच्छा बताते हैं, आप सुनते हैं उनको? नहीं कभी कभार थोड़ा थोड़ा देखा है, बट वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हैं तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं उनको सुनकर। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि दीन इस्लाम के अंदर बुत परस्ती को मना किया गया है, मूर्ति पूजा नहीं होती, पर हम देखते हैं कि कई बार आप लोग जब मक्का मदीना जाते हैं, जो कि सबसे तीर्थ स्थान है आप लोगों का, वहाँ पर काबा की परिक्रमा करते हैं आप लोग, वहाँ पर प्रणाम करते हैं और उसको चूमते हैं, और कई लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाते हैं, निज़ामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं, वहाँ तो अगरबत्ती भी दिखाते हैं, कई लोग चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो अगर बुत परस्ती मना है तो ये सब कैसे हो रहा है? मैं बस पूछना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया था भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, हालांकि सवाल मैंने किया था, जवाब मैं आपको देता हूँ। जब हम काबा की बात करते हैं तो हम उसको खुदा या अल्लाह नहीं मानते, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम उधर जाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसको चूमते भी हैं, छूते भी हैं, क्योंकि हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी वहाँ गए थे। अच्छा, तो उन्होंने भी किया तो हम भी करते हैं, क्योंकि हमें हमारे नबी ने हमें सिखाया है। पर ऐसा नहीं है कि हम उसको अल्लाह मानते हैं, आप खुदा ही मानते हैं उस मूर्ति को, हम खुदा या वर्शिप नहीं करते उसकी, तो दोनों में अंतर है। मतलब भैया ना आप यही कहना चाहते हैं ना कि अगर किसी को इस्लाम समझना है तो जैसा प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया है उन्हीं के हिसाब से हम इस्लाम समझते, ना कि अपने अपने हिसाब, ये कहना चाहते हैं ना जी, ना कि अपने हिसाब से कुछ भी मानते। हाँ अब आप सही समझे, हम भी भाई यही चाहते हैं।
कि अगर आपको हमारे वेदों को समझना है, हमारे हिंदू धर्म को समझना है, तो हमारे आचार्यों ने जैसा बताया वैसे समझिए, ना कि जाकिर नायक या कोई व्यक्ति अपने वीडियो में जो बता रहा है उससे समझिए आप। क्योंकि जाकिर नायक जी हमारे किसी संप्रदाय में तो आते नहीं हैं, ना ही वो हमारे आचार्य हैं, तो आप उनसे हमारे शास्त्रों की शिक्षा क्यों ले रहे हैं? मतलब पॉइंट मेरा यही था। पर मेरा सवाल तो वही का वही है ना, कि देखें मैंने आपको जवाब दिया, आपके तो यजुर्वेद में कहा है ना मूर्ति पूजन गलत है, फिर भी आप करते हैं। ठीक है, जाकिर नायक को छोड़िए, मैं जानना चाहता हूँ क्यों करते हैं आप। मेरा आपसे सवाल ये था कि प्रतिमा शब्द जब आप सुनते हैं तो आप क्या समझते हैं? प्रतिमा शब्द का अर्थ मैं समझूं, उसका मायने है कि जिसकी फोटो या इमेज या मूर्ति प्रतिमा। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि साहिल हैज ए ग्रेट इमेज इन सोसाइटी, इसका मतलब क्या होगा? इसके मायने तो बहुत सरल है कि आपकी सोसाइटी समाज में एक अच्छी छवि है। बहुत अच्छी छवि है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मौलाना साहिल की बहुत बड़ी तस्वीर है सोसाइटी के अंदर। तो भाई जान, कई बार शब्दों का मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो नाथ तस्य प्रतिमा अस्ति में जो प्रतिमा है, इसका मतलब ये कि उनके समान, भगवान के समान और कोई दूसरा नहीं है, ना कि मूर्ति। क्योंकि हमारे जो यजुर्वेद के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने जो अपनी टिकाई लिखी है, चाहे वो आचार्य उबट आचार्य हों या महिधर आचार्य हों, चाहे करपत्री स्वामी जी हों, चाहे फिर वो पंडित सात्वलेकर जी हों, उन्होंने जो ट्रांसलेशन में जो प्रतिमा शब्द का मतलब बताया है वो यही बताया है कि उनके बराबर कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। उसको मूर्ति की तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया। अगर भाईजान हम मान भी लें कि नाथ से प्रतिमा अस्थि में अगर प्रतिमा का मतलब मूर्ति है, जो कि आप और जाकिर नायक बता रहे हैं, तो इसी यजुर्वेद के 15वें अध्याय के 65वें श्लोक में आता है सहस्रस्य प्रतिमा मसी। इसके हिसाब से तो सैकड़ों सैकड़ों प्रतिमाएं हैं भगवान की। और 13वें अध्याय के 41वें श्लोक में आता है कि सहस्रस्य प्रतिमा विश्वरूपम। तो अगर प्रतिमा का मतलब मूर्ति है तो यहाँ तो आ रहा है कि सैकड़ों सैकड़ों प्रतिमाएं हैं, सैकड़ों पूरे विश्व में प्रतिमाएं मूर्तियां हैं भगवान की। तो 32:3 का नाथतस्य प्रतिमा अस्ति 13वें अध्याय के 41वें श्लोक से और 15वें अध्याय के 65वें श्लोक से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही यजुर्वेद में अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है। इसीलिए हमें प्रतिमा शब्द को जैसा आचार्यों ने बताया, जैसे मैंने आपको नाम बताया उबट, महीदेव, करपत्री महाराज, तात्वलेकर जी, इनके हिसाब से समझना चाहिए। प्रतिमा का मतलब है कि उनके समान, उनके उपमान और कोई दूसरा नहीं है। सहस्रस्य प्रतिमा विश्वरूपम का मतलब है कि पूरा विश्व भगवान ने बनाया है, भगवान सबको नापने वाले हैं, बट भगवान को नापने वाला कोई नहीं। तो हमें इसीलिए भाई जान आचार्यों के हिसाब से समझना चाहिए, ना कि इधर उधर से वीडियो देखकर समझना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि आपके मौलाना जो कोर्स है उसमें जाकिर नायक की वीडियो में ये सब नहीं बताया जाता। वो तो जल्दी बोल के चले जाते हैं पर नंबर 5 ये वो ऐसे ऐसे बोल देते हैं। आप बहुत ताना मारते हैं। ताना नहीं भाई जान, बुरा मत मानिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये आपको पता था, आप बताइए। ये बात तो खैर सही बात है, हमें नहीं पता था इस बारे में, बट आप वही आधा अधूरा आप किसी तरीके से आपने समझ लिया, उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन है हमारे बारे में। नहीं, बात तो मुझे आपकी सही लगी कि जिसका मजहब है धर्म है उसी के गुरु लोगों से जाने तो बेहतर है। वही ना, तो अगर हम इधर उधर से सुनेंगे भाई जान तो मिस इन्फॉर्मेशन है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर कन्फ्यूजन है, फिर कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट भाई जान हम में से कोई चाहता नहीं है। सही बात, बिकॉज हम सभी लोग पीसफुल कम्युनिटी के लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है आपकी। स्पेशल प्रसाद है, मूर्ति का प्रसाद नहीं है, ये भगवान के विग्रह का प्रसाद है, और हमारी तरफ से प्रेम से आप इसको स्वीकार करें। मेरी बस भी आ गई, देखिए काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था। ठीक है भाई, मूर्ति और विग्रह समझा नहीं मैं। अब वही तो भाईजान, हमारा सनातन धर्म इतना खूबसूरत और इतना बड़ा है, इसको आप एक वीडियो से और एक बस स्टॉप पर बैठ के चर्चा में नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारे मंदिर आइए, कभी बैठते हैं साथ में, चर्चा करते हैं, हमें सुनिए, हमारी कथाओं में आइए और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, है ना। और वैसे भी आप मौलाना बनने वाले हैं, आपकी रुचि भी है इन सब विषयों में। जी बिल्कुल, आपको तो ज़रूर आना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, दुआओं में याद रखिएगा आपको। हरे कृष्णा। कितना कुछ है एक दूसरे से जानने समझने को, पर हम ही है जो किसी को सुनना समझना नहीं चाहते। हरे कृष्णा।
तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? काफ़ी समय से इसके ऊपर वीडियो बनाना था, क्योंकि ऐसे कई डाउट्स हैं जो दूसरे प्रीचर्स हमारे मजहब हमारे धर्म के ऊपर रखते हैं, तो सोचा क्यों ना इसको नाटक के रूपांतरित वे में आंसर किया जाए। कैसा लगा आपको बताना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी सभी लोगों के साथ जिनके मन में इस प्रकार के छोटे 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 बट मोटे मोटे डाउट्स हैं, ताकि लोगों के मन से डाउट्स दूर हो सके। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें अपना प्लीज़ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दें, ताकि आगे भी इस प्रकार के हम इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग स्मॉल स्मॉल स्टोरीज के बेस हम शॉर्ट फिल्म बनाते रहें। तो प्लीज़ डोनेट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम्।